अच्छा ये ओके यहाँ से सिंचाई के साधन को अच्छा इसको वीडियो बना लीजिए बोले में हैं। बोल सकते हैं आप, कोई ये नहीं है अभी, अब मैंने चालू कर दिया। ये अंग्रेजों के बनाए हुआ करीब 200 साल पहले का था। अच्छा, यहाँ नहर विभाग की स्थापना था नहर की सिंचाई के लिए, लेकिन अच्छा। आज के राज्य सरकार द्वारा इसको उपेक्षित किया गया है। अच्छा, इनको जीर्णोद्धार किया जाए और एक पार्क के रूप में और एक पुस्तकालय के रूप में, जिमखाने के रूप में इसको तब्दील किया जाए कि जनता को इससे सुविधा मिल सके। हम चाहेंगे सरकार से कि विवाह भवन भी यहाँ बनाया जाए जो गरीब जनता को शादी विवाह करने में सहूलियत हो, और इस भवन को निर्माण कर ये इसको हम लोग यादगार के रूप में रखें कि हमारा गांव ऐतिहासिक गांव था और हम लोग इसको विकास के रूप में देखें। अच्छा, ये गांव संदेश गांव 1000 वर्ष पुराना गांव है। अच्छा, यहाँ चेरो खरवार राजवंश का भी शासन चला है, अंग्रेजों ने यहाँ से शासन चलाया है, इसका एक साक्ष्य है यह संदेश डाक बंगला। अच्छा, और डाक बंगला, डाक बंगला को हम चाहते हैं कि जनता के लिए समर्पित किया जाए। ये 4 एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पार्क बनाया जाए, बच्चों के लिए जिम बनाया जाए, खेल कूद का सामग्री रखा जाए, लाइब्रेरी बनाया जाए, जिससे हमारा गांव का विकास होगा। सरकार के बार हम लोग कितने बार भी लिख चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहूंगा कि इस सोशल मीडिया के जरिए इस बात को उछाला जाए और सरकार को ध्यान आकर्षित किया जाए। भोजपुर जिला के संदेश प्रखंड के संदेश ग्राम का ये डक बंगला है। अच्छा, इस डक बंगला में आज खंडहर के रूप में तब्दील है, गांव का बीचों बीच में है, यहाँ 10,000 की आबादी है, हाई स्कूल है, प्रखंड मुख्यालय है, हमारे यहाँ थाना है, ब्लॉक है, लेकिन एक पार्क नहीं है और पार्क के लिए सफिशियंट जगह है। तो मैं यही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो आपका शुभ नाम? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल कुमार गुप्ता जी, हाँ। तो उन्होंने बता दिया अनिल गुप्ता कुमार गुप्ता जी ने कि ये सब चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा डाक बंगला है, देखिए ये अंग्रेजों के जमाने का, देखिए कैसा है। ये खंडर है लेकिन इसको पार्क में तब्दील करने के लिए बोल रहे हैं, और ज़रूर ये होना चाहिए क्योंकि बच्चों के खेलने कूदने के लिए साधन चाहिए वगैरह सब। ये देखिए कैसा है, देख सकते हैं आप। ये तो इसी तरह से जो है, और ये दरवाज़ा देखिए अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। और आइए हम आपको इधर आगे लेके चलते हैं, देखिए ये कैसा है अंदर। देखिए ये बाथरूम वगैरह है, अंदर भी कुछ है, कमरा वगैरह है, देखिए कैसा है यहाँ पर। और फिर बाद में तो 4 एकड़ में फैला हुआ है ये देखिए। और अच्छा होगा कि ये पूरा पार्क वगैरह में तब्दील हो जाएगा, तो आदमी जो है अब इस्तेमाल कर सकता है इसे। तो आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दें और जल्द से जल्द इसके ऊपर काम शुरू करें। देख सकते हैं ये पूरा डाक बंगला, देखिए वहाँ तक है, देखिए यहाँ पे भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छा वहाँ पर अच्छा इस तरह ये वाला अच्छा इधर बोल सकते हैं आप इसके बारे में जो बोलना है आपको, थोड़ा बोल दीजिए आप। यहाँ माली वगैरह, नाइट गार्ड, मेट, नहर विभाग के अफसर रहा करते थे। अच्छा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है यहाँ घर के रूप में बनाया गया है। अच्छा, आप जो देख रहे हैं यहाँ आवासीय था। अच्छा, लेकिन 90 से पहले इसमें काम होता था। अच्छा, 90 के बाद इस पर सरकार ध्यान देना बंद होकर दिया। अच्छा, है ओके। पूरे सिस्टम डाउन है और हम लोग चाहते हैं कि पार्क के रूप में इसको विकसित किया जाए एकदम, और बच्चे के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए एकदम, जिम खाना बनाया जाए, खेल कूद की सामग्री रखी जाए, जिससे आने वाले दिन में
इस जगह को हम लोग सही जनता के लिए इस्तेमाल कर सके। ओके, सरकार से हम एकदम और जरूर जरूर सरकार जो है विनती जो है इनकी सुननी चाहिए। और देखिए हाँ थोड़ा हाँ और कुछ है तो बता दीजिए आगे, तो थोड़ा वो भी आ जाएगा सब। अच्छा, यही सरकार के जमीन पर अवैध कब्जा का भी प्रारूप देखने को मिल रहा है। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो अवैध कब्जा करके अच्छा और डकबंगला के जमीन को माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। अच्छा, ये सभी अफसरों के रहने के लिए आवास था। अच्छा, और बहुत बढ़िया ढंग से है, उसमें लैट्रिन बाथरूम किया जाता है। अच्छा, जो आम जनता द्वारा शौचालय इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्योंकि सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। अच्छा, सभी बाउंड्री टूटी हुई है। अच्छा, इमारती लकड़ी को चोरी हो चुका है, कुछ इमारती लकड़ी बची हुई है। तो हम चाहेंगे कि इसको सरकार ध्यान दे और इस बचाए इसको, इस धरोहर को हम लोग विकसित करें एकदम, और आने वाला भविष्य में हमारे बच्चे देखें एक नया बढ़ता हुआ स्वच्छ बिहार, स्वच्छ भारत के रूप में हम इसको देख सकें। इसको अच्छे से गाइडन गार्ड बना देने से चार एकड़ में फैला हुआ है 1600 स्क्वायर फीट। अच्छा, इसमें है ये हम लोगों को टहलने के लिए, ये काफी अच्छी जगह है। इसमें रंग बिरंग का पेड़ है, शीशम का, अशोक का, सेमर का, गोल्ड मोहर का, और बहुत परफ्यूम परफ्यूम लकड़ी है, बेल का है, ताड़ का है, अमड़ा का पेड़ है, ये सब सब है, बेल का है, पीपल का है। ये आने वाले दिन में हम इसको और डेवलप करेंगे तो और सुंदर होगा एकदम। ये भोजपुर जिला का एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक डकबंगला है। 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ पर भी हमारे सैनिक ने हमला किया था। अच्छा, जो 1857 में विद्रोह हुआ था। अच्छा, तो दानापुर के होते हुए आप यहीं बगल में नान सागर एक गांव है, वहाँ नील की खेती होती थी, नीलकोटी को भी आग लगाया गया था, और इस डकमंगले पर भी हमारे सैनिक जो विद्रोही कर दिए थे अंग्रेज से, वो भी यहाँ अंग्रेज हमला किए थे। इसलिए एक ऐतिहासिक चीज है, हम सरकार से चाहेंगे कि इसको संजो कर रखे और जनता के हित में इसको उपयोगी बनाया जाए। एकदम 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 इसी के साथ तो यही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हेलो, और हाँ बोलिए, कहिए आवत हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू। हो गया ना।